नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशुतोष शर्मा को दुनिया भर के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में और आपको फुल हाइलाइट्स भी दिखाएंगे, क्योंकि इस मुकाबले में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चला आशुतोष शर्मा की तरफ से। इस मुकाबले में मुंबई पहले बल्लेबाजी के लिए आते हैं, रोहित शर्मा 36 रन बनाते हैं तो इस मुकाबले में 31 रन बनाते हैं टीम डेविड, नहीं आपको तिलक वर्मा बनाते हैं। उसके बाद इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 78 रनों की पारी खेलने के बाद अपने टीमों का स्कोर 192 तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं पंजाब, तो उनकी लगातार विकेट गिरने की वजह से पंजाब प्रेशर में चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आते हैं आशुतोष शर्मा की बल्लेबाजी, शशांक सिंह की बल्लेबाजी, दोनों का बाल खेलते हैं, लाजवाब खेलते हैं। इस मुकाबले में आपको बता दें जो कि शशांक सिंह ने 41 रनों की पारी खेले, तो दूसरी तरफ से आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में 61 रनों की पारी खेले मात्र 27 गेंदों में और अपने टीमों को जिताने के लिए अपनी जी जान लगा दिए। मानिए ग्राउंड पर कुछ देर और 10 गेंद खेल लेते ये खिलाड़ी तो इस मैच का पासा पलट देते, इस प्रकार खेले। लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, 3 बड़े विकेट निकाल दिए। उसके बाद इस मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छे बल्लेबाजी सूर्या का था, किंग का था, सूर्या भाव का था, सूर्या बाबू का था, इतने ज्यादा इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही थी और इनसे उम्मीद भी काफी ज्यादा पंजाब गालिए थे आशुतोष शर्मा से। और आशुतोष शर्मा भले ही आउट होकर गए, लेकिन सभी का दिल जीत कर गए और T20 वर्ल्ड कप के लिए तो दावेदार बनते हैं, लेकिन ले जाया जाएगा तभी तो। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।